सो हे गाइज व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज कैसे हैं सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइज आज का जो कंसेप्ट है हमारा फेस स्मूथ के ऊपर होने वाला है। तो गाइज इसमें क्या करना है आप सभी को, जो भी बताऊँ गाइज सभी को स्टेप बाय स्टेप देखना है, एंड इसके बाद आप सभी को मैं फोटो का रिजल्ट दिखाऊंगा कि हमने फेस स्मूथ कैसे किया है। तो गाइज चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज पहले मैंने यहाँ पे अपनी फोटो को ओपन कर लिया है, मतलब कि प्रणव पीजी की। एंड उसके बाद आप सभी को करना क्या है, टूल्स में जाने के बाद आप सभी को यहाँ पे एक पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर जाना है। एंड उसके बाद आप सभी को इस बार प्रेस करके रखना है। एंड उसके बाद आपको सेकंड वाला स्किन स्मूथिंग का ऑप्शन लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को इसको 70 मतलब कि 80 या 100 तक आपको इसको फुल कर देना है, ठीक है, इसको फुल कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ से डन कर देना है। ओके सो उसके बाद मैं आप सभी को पहले जूम करके दिखाता हूँ कि गाइस हमारी अभी फेस की स्मूथनेस कैसी हुई है। तो गाइस पहले आपको जाना है टूल्स में, एंड उसके बाद आप सभी को मिलेगा हीलिंग वाला ऑप्शन, तो आपको उसमें जाना है। एंड ये जो आपको एक ब्लैक ब्लैक से पॉइंट दिख रहे हैं, यानी कि जो आपके फेस में अगर कोई पिंपल्स वगैरह होंगे तो आप इससे इस टूल की मदद से आप उनको हटा सकते हो। तो पहले मैं गाइस इसमें जितने भी ये सब है मैं उनको हटा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक पॉइंट या आप पिंपल्स वगैरह हैं आप इन सबको हटा सकते हो ईजिली, तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। तो ये मैं यहाँ से इन पिंपल्स के जो पॉइंट्स हैं ये रह गए, तो मैं इनको भी हटा लेता हूँ। आप इस पोर्ट्रेट ऑप्शन को टूल को पहले यूज़ करने से पहले भी आप इस हीलिंग वाला ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, बट यार आप जब इसको पोर्ट्रेट वाले को यूज़ कर लेते हो उसके बाद आप सभी को एकदम पूरा दिख जाता है कि आपने कैसा लग रहा है, ठीक है। तो पहले आप देख लेना आप अपने हिसाब से, एंड उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक बार बिफोर एंड आफ्टर, देखिए कितना फ़र्क आया। तो गाइस हम दोबारा से जाएंगे टूल्स में, एंड ये पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन लेंगे दोबारा से, ठीक है। एंड इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम मतलब इस बार पूरा 100 नहीं करेंगे, इसको हम रखेंगे 34 या इतने तक, ठीक है, इतना रख लेते हैं। एंड इसका यहाँ से डन करते हैं। एंड गाइस ये जो हुआ है अभी हमारा अभी पूरा हुआ नहीं है, तो अभी पहले हम यहाँ से इस फोटो को सेव करते हैं। एंड उसके बाद जो अगला काम है हमारा वो फोटो वहाँ पे करेंगे हम ऑटोडेस्क स्केच बुक में, ठीक है। तो उस ऐप को मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। एंड गाइस अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो आप सिंपली प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप सभी को पहले करना क्या है, इसमें पहले आपको अपनी फोटो को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ से अपनी फोटो को ले लेता हूँ जो अभी हमने यहाँ पे अभी जिसमें हमने फेस स्मूथ किया उस वाली फोटो को ले लेता हूँ। एंड उसके बाद आप सभी को आगे का मेथड बताता हूँ। सो गाइस फोटो जो है हमारी ओपन हो चुकी है, तो आप सभी को पहले क्या करना है, आप सभी को ऊपर जो पेंसिल वाला आइकन दिख रहा है आपको इसमें जाना है। एंड उसके बाद आप सभी को सिंपली स्क्रॉल करना है, ठीक है। स्क्रॉल करते करते आप सभी को नीचे एक ब्रश दिखेगा आपको, ये वाला जो ये वाला ब्रश, इसको लेना है। एंड उसका सेटिंग्स में जाना है, एंड इसके फ्लो एंड स्ट्रेंथ है जो इसकी, इसको आप सभी को कम रखना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा रख लेना आप मेरे हिसाब से देख सकते हो। एंड साइज़ को आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। एंड उसका सिंपली आप सभी को इस तरीके से पेंट करना है, ओके। सो इस तरीके से पेंट करना है, तो पहले मैं इसकी साइज़ को थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि यार ज़्यादा ही छोटा हो गया। तो पहले इसको बड़ा करना है, एंड सिंपली आप सभी को जहाँ जहाँ पे मतलब कि फेस में स्मूथनेस चाहिए आप सभी को वहाँ वहाँ पर पेंट करना है, ओके। सो हल्का हल्का यहाँ पे हम पहले ऐसे पेंट कर लेते हैं, एंड उसके बाद मैं आप सभी को फोटो दिखाऊंगा गाइज आप सभी को, ठीक है। तो पहले हम इसको यहाँ से जो जो जहाँ जहाँ पे हमें स्मूथनेस चाहिए आपको वहीं लेना है। एंड गाइज आप जो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यार आप जो मतलब के हेयर्स हैं एंड जो ये है ना ये सब आप सभी को आपके हेयर्स या आपके बियर्ड वियर्ड हैं तो आप ध्यान रखना कि आपको वहाँ तक मतलब कि वहाँ पर ब्रश नहीं चलाना, नहीं तो यार आपके उसमें फेस में जो है ब्लैक ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। तो वो ब्लैक ब्लैक आ जाएगा तो यार फोटो मतलब बेकार सी हो जाएगी, तो आप सभी को उस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। एंड अब काफ़ी जूम कर करके इसमें आप सभी को फेस को स्मूथ करना है। एंड इसमें ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि आप सभी को जूम इतना कर लो कि आप फोटो एकदम दूर दूर तक जा जाकर आप एडिट मतलब कि फेस की स्मूथनेस को कर सको, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आप सभी को करना क्या है मैं आप सभी को दिखाता हूँ गाइस, ठीक है। तो आप सभी को भी देख भी रहा होगा कि यार इसमें मतलब कि फेस कितना मतलब एकदम गजब एडिट हो चुकी है हमारी, फेस स्मूथ जो है हमारी गजब हो चुकी है ना, तो आप सभी को दिख रहा होगा। तो मतलब कि यार इससे बेस्ट टूल अगर एंड्रॉइड के लिए तो मेरे को अभी तक कोई सा भी नहीं लगा कि ये ऐप और एक स्नैपसीड इन दोनों की ऐप की मदद से मैं भी अपनी फोटो का जो भी है जितने भी फोटोज़ हैं सबका फेस इसी से स्मूथ करता हूँ। तो आप सभी को भी एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, अगर आप सभी ने वीडियो को देखी है तो आप समझ लिया है आप लोगों ने। तो इस ऐप मतलब कि इस ट्रिक को भी आप एक बार ही अपने फ़ोटो में यूज़ करके देखना, काफ़ी अच्छा टूल है। तो चलेगा इसकी वीडियो की थोड़ी सी मैं मतलब कि स्पीड बढ़ा देता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बट गाइस यही है कि मैं आप सभी को देख सकते हो कि हमारी फोटो जो है मतलब कितनी स्मूथ हो चुकी है। तो यार मतलब कि इसमें ना बिफोर एंड आफ्टर दिखाने वाला ऑप्शन नहीं है, नहीं तो मैं आप सभी को दिखाता। तो सिंपली हम ऐसे क्या करेंगे, फोटो को सेव कर लेंगे, एंड उसके बाद आप सभी ने मतलब कि यार वीडियो देखी तो आप सभी को पता चल गया होगा। तो हमारी यहीं तक थी, तो यार आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।